अब जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ये मैं बोया BY-M1 माइक से रिकॉर्ड कर। बेस्ट माइक फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग। आप जैसे बहुत सारे लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हम जो है अपनी आवाज़ को, अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कोई वीडियोस बनाने के लिए या फिर गाना गाने के लिए, सिंगिंग के लिए, बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम जो है अपनी आवाज़ को रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो है हम महंगे माइक नहीं खरीद सकते हैं जो कि 5,000, 10,000, 15,000 के बीच में आते हैं। क्या कोई एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ माइक है कि जिसको यूज़ करके हम अपनी आवाज़ को एक प्रोफेशनल लेवल की तरह हम जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप ये कर सकते हो। अक्सर जो है 99.9% लोग जो है इसी माइक का इस्तेमाल करते हैं जो मेरे भी हाथ में देख रहे हो। ये है बोया का BY-M1 माइक। ये 99.9% लोग जो है स्टार्टिंग में इसी माइक का यूज़ करते हैं। और स्टार्टिंग क्या, लोग जो आजकल जो प्रोफेशनल हैं वो भी वीडियो बनाने के लिए जो है इसी माइक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी माइक की जो क्वालिटी है, आउटपुट जो है बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसे ही मिलते जुलते दूसरे ब्रांड के आपको बहुत सारे माइक मिल जाएंगे। वो माइक लोग है उसमें एक साल का वारंटी भी मिलेगा, लेकिन उस माइक में और इस माइक में क्या फ़र्क रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, उसमें वो वारंटी देंगे एक साल का, वो एक साल में ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन उसकी माइक में जो ऑडियो की आउटपुट होगी वो, और फिर बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन करने का जो टेक्नोलॉजी वो उसमें नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको इसका जो है प्रॉपर अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इस बॉक्स के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ मिलता है, प्लस इसमें जो है इसका जो है ओरिजिनल क्वालिटी मैं आपको अपने कंप्यूटर में ले जाके इसकी ओरिजिनल क्वालिटी लाइव में रिकॉर्ड करके आपको मैं दिखाऊंगा कि जिससे आपको जो पता चल जाएगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है, आपको हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास बोया BY-M1 माइक का बॉक्स है। तो ये जैसे देख लो, ये बॉक्स जो है इस तरह का आपके पास आएगा, और ये पीछे में जो है इसके कुछ लिखे हुए हैं जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है, पोलर पैटर्न क्या है, ये सब बैटरी टाइप कौन सी लगी, LR44 बैटरी टाइप लगी, ये सब इसमें दिया हुआ है। ये सब आप जो है पॉज करके चाहे हो तो आप देख सकते हो। तो इस तरह की बॉक्स आई है। तो चलो फटाफट हम इसको खोल लेते हैं और खोल के देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। बॉक्स जब ओपन करेंगे तो देखो बॉक्स में खाली कुछ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आपको जो है ये कुछ कार्ड आपको मिलेगा ये, और ये कुछ इसको बुकलेट मिलेगी, इसमें आप जो है चाहो तो आप पढ़ सकते हो कैसे कैसे क्या है। इसको साइड में रख देते हैं। अब देखो आपके पास जो है एक ऐसा जो है पाउच मिलेगा। अब जो है इसमें जो है इसको हम खोलते हैं इसको, और खोलने के बाद इसको जो है निकालते हैं, क्या क्या है हम देख लेते हैं। तो आपको जो है इस तरह से एक पाउच मिलेगा जिसमें आप जो है बोया BY-M1 माइक को आप रख सकते हो। ये जो है कुछ सिलिकॉन का पैकेट है ये। देखो ये है हमारा माइक, ये बोया का जो है यहाँ पे देखोगे ब्रांडिंग आपको मिलेगा ये। और मान लो अगर आप जो है स्मार्टफोन के लिए इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आप जो है स्मार्टफोन मोड में करोगे। इसमें आपको बैटरी लगाने का जरूरत नहीं है, अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हो तो कोई बैटरी लगाने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन आप DSLR कैमरा में यूज़ करते हो तो इसको जो है ऑन करके ऊपर का जो ये स्विच है इसको ऑन करोगे, और ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ में कर सकते हो। और उसके लिए आपको जो है यहाँ पे बैटरी भी आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह से खोल दोगे तो यहाँ पे जो है बैटरी है, साथ में आपको बैटरी भी दिया रहेगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बैटरी आपको इसमें अटैच कर देना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसको साइड में हम रख देते हैं। और देखो आपको जो है इस तरह से पैकेट मिलेगा, इसमें आपको क्या क्या मिलता है हम देख लेते हैं। इसको खोलने के बाद आपको ये दो तीन चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये आपका जो है ये पफ टाइप का हो गया, ये आपका जो माइक जो रहेगा, ये जो माइक जो रहेगा तो इसमें आप जो है आराम से इसे घुसा के जो है आप इसको जो है यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये मिलेगा, ये वाले जो कॉर्ड जो है जो बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम में यूज़ करना चाहते हो तो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। अगर आप जो है लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो डायरेक्ट आपका ये जो 3.5 mm का जैक है इसी से यूज़ कर लोगे, इसी से काम आएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं होता। हाँ, अगर बड़े बड़े सिस्टम में अगर इसको जोड़ना के करना चाहते हो तभी ये काम आता है, हालांकि इसका कोई काम नहीं आता। इसके बाद आपको ये जो है क्लिप होल्डर है, इसको यहाँ पे जो है अटैच करके आप इसको जो है सेट कर सकते हो, जिससे कि आप अपने कॉलर में या फिर शर्ट में इसको अटैच करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके बाद ये देखोगे बैटरी, अगर आप जो है DSLR कैमरा में यूज़ करना चाहते हैं तभी आप इस बैटरी को इसमें लगाइए। अगर आप जो है नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से ही आप वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये बैटरी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप DSLR कैमरा में लगाना चाहते हैं तो देखो ये भी मैं खोल के दिखा देता हूँ, बहुत आसानी से ये लग जाती है। यहाँ पे सिंपल से जैसे करोगे इंसर्ट करके आराम से ये फिट हो जाएगा, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसको जो है स्मार्टफोन में यूज़ करेंगे, DSLR कैमरा में इस माइक को फिलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको प्राइस की बात बता दूँ, ये तो ये पहले जो है बहुत महंगे आते थे, लेकिन अभी ये जो है 500 से लेकर 600 रुपये के बीच में ये आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलो अभी मैं आपको जो है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ले चलता हूँ, और वहाँ पे ले जाके इसकी जो है ओरिजिनल वॉइस क्लिप जो है रिकॉर्ड करके आपको मैं इसकी ऑडियो क्वालिटी आपको मैं सुना देता हूँ।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में आ चुका हूँ। अब आने के बाद मैं एक सॉफ्टवेयर खोल लेता हूँ जिसमें मैं आपको जो है बोया BY-M1 माइक से वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैं दिखाऊंगा इसकी ऑडियो सैंपल कैसी है। तो देखो ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है, अब मैं यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसको मैं ऑन करता हूँ। अब जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ये मैं बोया BY-M1 माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो ये जो मैंने बोला है, अब इसको मैं पॉज कर देता हूँ इसको मैं। तो ये मैंने जो ऑडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं प्ले करके आपको मैं सुनाता हूँ। अब जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं ये मैं बोया BY-M1 माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो ये जो मैंने बोला है, अब इसको मैं पॉज कर देता हूँ इसको मैं। तो जैसे कि आपने देख लिया कि इसकी आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।